हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंडो चाइनीज चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं हूँ रश्मि, रश्मीज फूड मैजिक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शेजवान चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको किसी भी डिश के साथ, चाहे इंडियन हो चाहे चाइनीज, उसके साथ सर्व कर सकते हैं, तो जो डिश है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है इस चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नए आने वाले वीडियोस के। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनती है हमारी शेजवान चटनी। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमें अपनी चटनी को कैसे स्टोर करना है, जिससे कि वो काफ़ी लंबे समय तक ख़राब ना हो। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनती है हमारी शेजवान चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं साबुत लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने साबुत लाल मिर्च को ले लिया है। तो अगर आप अपनी चटनी को कम तीखा रखना चाहते हैं तो उसको बीच से तोड़कर उसके सीड्स को निकाल दें। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके की मिर्च को ले रही हूँ, कुछ जिनके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और कुछ ऐसे ही। इनको हमें पानी में भिगो देना है। तो मैंने अपने मिर्च को अच्छी तरीके से धोकर पानी में भिगो कर रख दिया है। तो लगभग मैंने 2 घंटे भिगोया है। आप चाहें तो आप थोड़ा लंबा भी भिगो सकते हैं। अब इन मिर्च को हमें उबाल लेना है। तो मैंने एक भगोने में पानी गर्म कर उसमें ये मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको हमें बॉयल कर लेना है। तो हल्का सा दबा देंगे तो हमारे मिर्च अच्छे से पानी में डूब जाएंगे और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो हमें इनको अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं लहसुन। तो मैंने यहाँ पर 2 बल्ब लहसुन ले लिए हैं। इनको बारीक बारीक क्रश कर लिया है। आप चाहें तो काट भी सकते हैं। इनका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें ऐसे ही रखना है। तो इधर हमारे जो लाल मिर्च है वो बॉयल हो चुके हैं, देखिए स्टीम निकल रही है अच्छे से। अब हमें इनको निकाल लेना है। तो पानी से इनको निकाल कर मिक्सी के जार में डालकर इसका हमें पेस्ट बनाना है। ठंडा हो जाने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। इधर मैंने गैस को ऑन कर दिया है, इस पर चढ़ा दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप ऑयल लिया है, क्योंकि ये ऑयल हमारा एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है, तो जिससे हमारी चटनी ख़राब नहीं होगी। इसमें हम डाल देंगे अपने क्रश किए हुए लहसुन। अब हमें इन लहसुन को अच्छी तरीके से पका लेना है। तो आप लहसुन के साथ अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अदरक का यूज़ नहीं किया है। तो इनको अच्छी तरीके से हमें पका लेना है हल्का भूरा होने तक। आपको इसको लगातार चलाना है, अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको इसको चलाते रहना है, आप फ्लेम को लो कर दें। तो देखिए हमारे लहसुन लगभग पक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। लहसुन के पक जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे पिसी लाल मिर्च, जो हमने पहले ही बॉयल करके पेस्ट बना लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को लो करके अच्छी तरीके से हमें इसे चलाना है। आप इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारा लाल मिर्च का जो पेस्ट है वो जले नहीं। अब हमें इसको पका लेना है। अब देखिए हमारा ऑयल अलग होने लगा है। इसके साथ मैंने इसमें डाल दी है ब्लैक पेपर। चटनी में पड़ती है शेजवान पेपर, तो आप उसकी जगह ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डाल दिया है मैंने 4 चम्मच टमाटो केचप। अब चला देंगे, फ्लेम को लो ही रखें। अब हमें चलाते चलाते ही इसको पकाना है। देखिए ऑयल अलग हो गया है, इसका मतलब कि हमारी चटनी पक रही है अच्छे से। जितने अच्छे से पकेगी उतने अच्छे समय तक ये चलेगी भी। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस। तो आप चाहे तो आप डार्क वाला सोया सॉस या लाइट, जो भी है आपके पास, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे नमक। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाल दिया है। अब चला देंगे।
इसमें आप एक से दो चम्मच चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं बाद में चेक करूँगी, अगर मुझे लगा तो मैं दो चम्मच चीनी इसमें डाल दूँगी। तो बहुत ही अच्छी लग रही है, देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आ गया है, एकदम परफेक्ट शेजवान चटनी हमारी बन गई है। तो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो ऑयल हमारा अलग हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे विनेगर जो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एप्पल साइडर विनेगर, तो आप उसकी जगह चाहें तो आप सिंथेटिक वाला विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी चटनी को काफ़ी समय तक अच्छे से रखता है और टेस्ट भी अच्छा कर देता है। तो अब हमें इसको फ्लेम को लो करके ही फ्रेंड्स इसको बनाना है हमें, अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये जलने लगेगी, तो इस बात का ध्यान रखिए आपको लो फ्लेम करके ही इसको अच्छे से चलाना है। तो देखिए हमारा कलर भी चेंज हो गया है, तो अब हमारी चटनी बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो अब देर किस बात की, बनाइए गरम गरम पकौड़े या कटलेट्स और सर्व करिए इस इंडो चाइनीज चटनी के साथ। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप सोचेंगे मैंने पहले क्यों नहीं बनाई है। तो अब हम स्टोर करने के लिए ले लेते हैं एक जार, तो मैंने यहाँ पर शेजवान चटनी का ही जार लिया हुआ है, इसको हमें स्टरलाइज करना है। तो मैंने पानी को गर्म कर लिया है, इसमें हमें 15 से 20 मिनट तक इस बॉटल को बॉयल कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारी जो जार है वो स्टरलाइज हो जाएगा और इसमें हम स्टोर करके अपनी चटनी को काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, तो ये ख़राब भी नहीं होती है। तो बस हो गए हैं 15 मिनट, मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। अब जार को ठंडा कर लेंगे और इसके साथ मैं चटनी को भी ठंडा कर लेंगे और जार में भर कर रख देंगे। तो देखिए तैयार हो गई है हमारी शेजवान चटनी जो बहुत ही टेस्टी लग रही है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।